डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मजे से होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो किडनी के स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में जो है वो इसके लिए जानना जरूरी है। किडनी स्टोन का बेसिकली जो है वो हम उर्दू में या पश्तो में जो है वो अपने लैंग्वेज में इसका मतलब देते हैं गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी का मतलब है कि गुर्दे के अंदर जो है वो एक पत्थर सा बन जाता है, ठीक है। और कॉमन इंग्लिश में इसको किडनी स्टोन कहते हैं, जबकि मेडिकल साइंस में इसको निफ्रोलिथियसिस कहते हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस में इसको निफ्रोलिथियसिस या रीमेनलिथियसिस कहते हैं, ठीक है। सो किडनी स्टोन जो है इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक मतलब बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जो है वो नीचे सब्सक्राइब वाला जो बटन नजर आ रहा है उसको प्रेस करें और जो बेल आइकन है साथ में उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलते हैं किडनी स्टोन के डेफिनेशन की तरफ। किडनी और यूरिनरी स्टोन जो है, दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। हार्ड क्रिस्टलाइन मतलब कि काफी सख्त होते हैं, जिस तरह से आम हमारे पास जो है वो रास्ते पर या किसी भी जगह पर पत्थर पड़े होते हैं, ये उसी पत्थर की तरह जो है वो काफी सख्त होते हैं, ठीक है। और ये क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब कि इनका एक बाकायदा शेप होता है, ये क्रिस्टल से ही बनते हैं, ठीक है। और ये कहाँ बनते हैं, ये किडनी में बन सकते हैं या किडनी के अलावा जो यूरिनरी सिस्टम है उसके दूसरे पार्ट से, चाहे यूरेटर है या मतलब के यूरिनरी ब्लैडर है, वहां पे भी बन सकते हैं। और इसके अलावा जो है जो स्टोन फॉर्मेशन है वो यूरिनरी सिस्टम के अलावा बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी जो है वो हो सकती है, लेकिन उसके बाद में हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। अभी जो हम बात करेंगे वो किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे। सो किडनी स्टोन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखिए ना स्टूडेंट्स, अगर हम जो है किसी सोल्यूशन में जो वो एक साल्ट जो है वो डालते हैं तो पहले तो वो साल्ट उसमें से जो है वो हल हो जाती है, लेकिन मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। लेकिन जब हम साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एक ऐसा वक्त आ जाता है कि हमारे पास मजीद साल्ट जो है वो उस सोल्यूशन में डिजोल्व नहीं होता, तब हम उसको क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सॉरी तब हम उसको सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जब हमारे पास एक सॉल्यूशन हो और उसमें साल्ट इतना ज्यादा हो जाए कि मजीद साल्ट इसमें से हल ना हो, डिसॉल्व ना हो पाए, सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब होता ये है कि ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें से जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट होती है उसकी साल्ट की, वो क्या हो जाती है, वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाती है। और जितनी चीज जैसे जैसे साल्ट की जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, वो जो क्रिस्टल्स है वो मजीद जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। सो किडनी स्टोन के साथ भी यही हालत है, इसका भी यही मैकेनिज्म है कि हमारे ब्लड में जब साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो जो एक्स्ट्रा साल्ट होते हैं वो किडनी में जाके जमा होते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू जो है वो किडनी स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये तो होगी इसके मैकेनिज्म। जो हमारे पास मोस्टली जो स्टोन्स बनते हैं वो कौन कौन से स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट के स्टोन्स बनते हैं, मैग्नीशियम एमोनियम फास्फेट के स्टोन्स बन सकते हैं, यूरिक एसिड और सिस्टाइन के जो स्टोन्स बन सकते हैं। अब ये जो स्टोन्स हैं ये क्यों बनते हैं, इनके पीछे क्या वजह है और कॉजेस क्या है, तो जो स्टोन्स के किडनी स्टोन्स बनने के जो कॉजेस है उनमें से एक है हाइपरकैल्शेमिया। हाइपरकैल्शेमिया का मतलब है ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना। अब ब्लड में कैल्शियम का लेवल मुख्तलिफ चीजों की वजह से बढ़ सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मतलब कि हमारे डाइट में, हमारे जो खुराक है, जो हम फूड खाते हैं उसमें से कैल्शियम लेवल अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारे ब्लड में भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या जो है वो मतलब के जो पैराथायराइड हार्मोन्स हैं उनके ज्यादा रिलीज होने की वजह से भी ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो सकता है। सो जो किडनी स्टोन की सबसे बड़ी वजह है वो कैल्शियम होती है, और कैल्शियम मैंने जिस तरह आपको कहा कि ये खुराक में भी हो सकती है, फूड में हो सकती है, या बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन्स की इंक्रीज होने की वजह से हो सकती है। हाइपरऑक्सीलूरिया जो है, ऑक्सीलेट आयन का इंक्रीज होना, हाइपरऑक्सीलूरिया का मतलब क्या है, ऑक्सीलेट आयन की ज्यादा कंसंट्रेशन, ठीक है। सो अब ऑक्सीलेट किस चीजों, किन चीजों में होते हैं, ऑक्सीलेट जो है इस
ज्यादातर जो मतलब कि सब्जियां होती है, खासतौर पर जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, जो हरी भरी सब्जियां होती है, उनमें ऑक्सीडेट आयन जो है काफी ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, इसके अलावा हाइपर यूरिया, ठीक है, ब्लड में यूरिया या यूरिक एसिड की जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वजह से हो सकते हैं। अब यूरिया या यूरिक एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजूहत जो है वो जैसे मतलब कि बड़ा गोश्त है, मतलब कि बीफ है, मटन है, चिकन है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो मतलब के पल्सेस है, जैसे लोबिया है, चना है, इस तरह की चीजें होगी, उनके ज्यादा जो है वो इस्तेमाल से जो है वो हाइपरयूरिया हो जाता है, मतलब के ब्लड में यूरिक एसिड या यूरिया या दूसरे जो मतलब के नाइट्रोजनस वेस्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है बॉडी में पानी का कम हो जाना। आमतौर पर वो लोग जो कम पानी पीते हैं तो उनको किडनी स्टोन के जो खतरात हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप किडनी स्टोन के जो है वो मतलब के से बचे, अगर आपकी किडनी में स्टोन ना बने, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो काफी सारे मिकदार में पानी पिया करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करें, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। जैसे आजकल मतलब कि सर्दी का मौसम है तो लोग कम पानी पीते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो है वो खतरनाक हो सकता है। लिहाजा मौसम चाहे कोई भी हो तो पानी का जो मतलब कि पीना है वो जरूर है, और ज्यादा पानी, काफी मिकदार का पानी जितना हमारे बॉडी के लिए चाहिए। तो अब जो किडनी स्टोन है उसके क्या क्या जो है वो मतलब के हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स में रीनल पेन है, मतलब के जहाँ पे किडनी है जो वहां पे बहुत सख्त किस्म का जो है वो दर्द महसूस होती है, यानी बहुत जो है वो शदीद किस्म का जो है वो पेन जो है वो बंदे को महसूस होता है। और ये पेन जो है वो रेडिएटिंग पेन होता है। रेडिएटिंग पेन मतलब कि ये ऊपर और नीचे जो है वो क्या होता रहता है, पहनता जाता है, जिसकी वजह से ऊपर टांगों में और नीचे टांगों में और ऊपर जो है वो मतलब है कि जिस तक ये दर्द है वो महसूस किया जा सकता है। ठीक है, सो इसके अलावा ग्लूकोज यूरिया, इन्हीं यूरिन में, इन्हीं पेशाब में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, ठीक है, और प्रोटीन यूरिया, इन्हीं जो पेशेंट है उसके पेशाब में, इन यूरिन में काफी सारे प्रोटीन जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके यूरिया में, उनके पेशाब में प्रोटीन बहुत कम आता है, लेकिन जो किडनी स्टोन के मरीज होते हैं उनके मतलब कि यूरिया में, उनके पेशाब में जो है वो ग्लूकोज यूरिया और प्रोटीन यूरिया जो है वो हो जाता है, मतलब कि उनके यूरिन में ग्लूकोज और प्रोटीन की जो मिकदार है काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा हाइपर कैल्शियम यूरिया मतलब कि यूरिन में कैल्शियम लेवल का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, सो मतलब कि जब भी किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज, प्रोटीन और कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो अब आते इसके जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव्स लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें से एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे लिथोट्रिप्टर कहते हैं। ये जो मशीन है ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक जो है वो वेव्स प्रोड्यूस करता है, और ये जो वेव्स होते हैं इनके थ्रू जो है वो किडनी स्टोन को तोड़ा जाता है। ठीक है, इन्हीं जो लिथोट्रिप्टर मशीन है इससे निकलने वाली जो वेव्स होती है उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो किडनी स्टोन को ब्रेक कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें ये किया जाता है, इसमें ऑपरेशन नहीं किया जाता, जिस तरह से आजकल आप देखते हो ना कि मुख्तलिफ जगहों पर इश्तहार लगे होते हैं कि बगैर ऑपरेशन के पथरी का इलाज जो है, तो वो बगैर ऑपरेशन के पथरी का इलाज वो इसी तरह से किया जाता है कि इसमें से जो है वो बॉडी को जो है वो खोला नहीं जाता, बल्कि बाहर से ही जो है वो वेव्स के थ्रू उसको टारगेट करके उसको जो है वो किडनी स्टोन को तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद उसको जो है वो मेडिसिन के थ्रू और पानी के साथ जो है वो बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है उसके टुकड़ों को। जो दूसरा तरीका है, जो पुराना तरीका है वो है PCNL, पेरिक्यूटिनस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इसमें से ये किया जाता है कि किडनी के ऊपर जो मतलब स्किन है और उसके ऊपर जो चर्बी है उसको काटा जाता है, उसको जो है खोला जाता है, और फिर जो शॉक मशीन है, जो लिथोट्रिप्टर मशीन है उसको अंदर लेके जाया जाता है, अंदर जो है वो उसको वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो वेव्स होते हैं वो स्टोन को जो है वो ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर उसके बाद जो है वो किसी खास इक्विपमेंट से जो है वो उन ब्रेकशुदा स्टोन्स को जो है वो बाहर निकाला जाता है, और वापस जो है वो किडनी और जो उसके ऊपर जो
मतलब है कि बाकी जो सारी चीजें होती है उनको वापस स्टिच किया जाता है, बंद किया जाता है। लेकिन ये तरीका काफी खतरनाक हो सकता है, क्यों? क्योंकि इस तरीके में जब वो किडनी को भी गोला जाता है, उसके ऊपर जो सारे ऑर्गन्स है उसको भी गोला जाता है। सो इससे मोस्टली ये होती है, मतलब कि मोस्टली जो डेंजर, मतलब कि जिसके जो रिस्क है वो ये है कि किडनी नाकार हो सकती है, ये जो सर्जरी है ये फेल हो सकती है, ये जो है वो मतलब कि अनसक्सेसफुल हो सकती है, जिसका ये नतीजा निकल सकता है कि किडनी जो है वो एक्सपायर हो सकती है, किडनी जो है वो खराब हो सकती है। सो किडनी स्टोन के बारे में जो है वो इतना ही था। अगर आपको जो है वो कुछ मजीद जो है वो उसके बारे में जानना है, या आपको मजीद इसके बारे में कुछ कॉमेंट्स जो है वो करने हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो जा सकते हैं, वहां पे जाकर जो है वो हमें टाइप कर सकते हैं अपना कमेंट्स। और अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। सो बाकी तो इतना कुछ नहीं रहा। सो आखिर में आप सबको जो है वो थैंक्स कहते हैं वीडियो देखने का, कि आपने हमारा वीडियो देखा, पूरा देखा, उसको जो है वो कि आपने एंजॉय भी किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। सो अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।